अयोध्या में हनुमान गढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के आसपास की सभी दुकानें बंद रही। यह दुकानें इसलिए बंद थी क्योंकि क्षेत्र के व्यापारियों ने सड़क चौड़ीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन बाजार बंदी का निर्णय लिया। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन उनकी रोजी रोटी छीन रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि प्रशासन उनकी दुकानों को जबरदस्ती गिरा रहा है। वहीं अन्य दुकानदारों को प्रशासन ने 2 दिन में दुकान खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया है। बता दें कि इस मौके पर बड़ी संख्या में व्यापारियों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। चौड़ीकरण से प्रसारित हुई है यहाँ का जिला प्रशासन शासन और हम लोगों को विस्थापित करने पहले स्थापित करने का वादा किया था जिला प्रशासन, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले बेड़ा के सामने जिस प्रकार दुकानों को गिराया गया, साथ में हनुमान गढ़ी से जन्मभूमि तक की दुकानों को 2 दिन में खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया, लिहाजा हम व्यापारी समाज मजबूर होकर आज समझ अयोध्या के व्यापारी समाज अपने व्यापार को बंद कर दिया है, ठप किया है और विरोध कर रहा है। उसकी एक मांग है पहले हमको स्थापित किया जाए उसके बाद विस्थापित किया जाए। लोगों की दुकान सरकार तोड़ने वाली है सुनने में आ रहा है। वहाँ क्या नाम है बिरला के सामने कुछ दुकानें टूटी हैं, तो अभी तो फिलहाल यहाँ का नहीं क्लियर हुआ है कि टूटेगा कि नहीं, तो सरकार के ऊपर है। लेकिन बिरला पे दुकानें तोड़ के राम गुलेला तक सड़क सरकार ने बनाई है, तो वहाँ पे दुकानें टूटी हैं। तो हम लोगों का ये मैंने विचार है, आपको डर है? तो बिल्कुल है, बिल्कुल कि भाई विकास अभी तक ये था मंदिर नहीं बना था, तो लोग ये सोचते थे मंदिर बना, हम लोग बहुत उत्साहित थे अयोध्या में राम मंदिर बना, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे मंदिर बनेगा तो उसके साथ इतना तगड़ा विकास होगा कि हम लोगों को भी बेघर कर दिया जाएगा। अभी सरकार की तरफ से कोई ये क्लियर नहीं किया गया है कि हम लोगों को दुकानें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी।